मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं मुस्लिम वसीयत के संबंध में इस वीडियो में महत्वपूर्ण क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए और ये मुस्लिमों को जानना चाहिए इस बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो महत्वपूर्ण है। मैंने इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो शॉर्ट्स और डिटेल में डाले हुए हैं जिन्हें आप देखकर वसीयत के संबंध में जानकारी ले सकते हैं। मुस्लिम वसीयत अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और मुसलमान लोग कब वसीयत कर सकते हैं, जनरल प्रोविजंस तो वही हैं कि व्यक्ति जो भी कर रहा है वो फ्री कंसेंट वसीयत करे, किसी प्रकार का दबाव नहीं हो, सादे कागज पर भी कर सकता है, रजिस्टर्ड भी करा सकता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हो, सवास में हो, बिना किसी दबाव में हो, माइनर के पक्ष में भी की जा सकती है, गार्जियन वगैरह। लेकिन कुछ विशेष बातें जो मुस्लिम वसीयत के लिए कॉमन वसीयत के अलावा आपको जाननी चाहिए, एक तो वसीयत करता और वसीयत ग्रहीता जिसके पक्ष में वसीयत की जा रही है और जिसने वसीयत की है, दोनों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। पहली बात इम्पॉर्टेंट। दूसरा, वो वयस्क हो, 18 वर्ष का कम से कम हो, वैसे माइनर की भी की जा सकती है, अन्यथा वो शून्य माननीय होगी, दूसरे अमान्य कर दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति के पक्ष में मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, अन्य धर्म का हो, ये मुस्लिम वसीयत की जा सकती है और वक्फ बोर्ड के लिए भी दी जा सकती है। दान अल्लाह के नाम पर संपत्ति का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। दूसरी, अपनी संपत्ति को बेच भी सकता है, सेल डीड कर सकता है, वसीयत कर सकता है, ये चीजें माइनर के पक्ष में भी कर सकता है। अमान्य शून्य करने के लिए अगर वो वयस्क नहीं है उसको, और वो दूसरा किसी ने आत्महत्या का प्रयास किया और मृत्यु के बीच में अगर की गई वसीयत है तो वो मान्य नहीं होगी, उसका कारण है वो उस समय सही निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होता। बाकी सब कॉमन कंडीशंस जैसे सादा पेपर पर की जा सकती है, वयस्क होना चाहिए, फ्री कंसेंट से होना चाहिए, बिना किसी दबाव के होना चाहिए, तो मुस्लिम व्यक्ति भी अपनी चल और अचल संपत्ति किसी भी व्यक्ति को दे सकता है। कंटिंजेंट या भावी कोई शर्त के साथ नहीं दी जा सकती, ऐसी कोई अनकंडीशनल शर्त नहीं लगाई जा सकती जो विधि की दृष्टि से मान्य ना हो। तो कोई भी वसीयत मुस्लिम भी बना सकता है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें जो मैंने अभी आपको बताई, कॉमनली वसीयत की जो कंडीशंस हैं वो इसमें भी मुस्लिम वसीयत में लागू होती है। वक्फ बोर्ड में वो दान अल्लाह के नाम से भी कर सकता है, इस्लाम धर्म जहाँ, और वसीयत का जो उद्देश्य है वो इस्लाम धर्म में मान्य होना चाहिए, अमान्य ना हो। व्यक्ति वसीयत करता हो, वसीयत करता ग्रहीता दोनों को जानकारी होनी चाहिए वसीयत की जा रही है, वयस्क को आत्महत्या के प्रयास और मृत्यु के बीच में नहीं की जा सकती है, और किसी भी व्यक्ति गैर धर्म के व्यक्ति को वो अपनी संपत्ति को दे सकता है। तो इस तरह माइनर के पक्ष में भी जन्म लेने के 6 माह के अंदर उसका जन्म होना चाहिए, अन्यथा वो अवैध हो जाती है। इन बातों को आपको जानना चाहिए। मैंने मुस्लिम वसीयत के संबंध में खास खास प्रावधान बताए। मैं समझता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। धन्यवाद, नमस्कार।